जी सर, मेरा सभी को नमस्ते। और मैं ये कहना चाहूंगा कि 2018 में मेरा यूएचबी से जुड़ना हुआ। उसके पहले मैं कॉलेज में ही था और 2008 में ये सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस हुआ था, लेकिन उस समय ये सब्जेक्ट उन टीचर्स को मिलता था जिनकी परफॉर्मेंस को मैनेजमेंट समझती थी कि भाई ये थोड़ा कम है। और 2008 से लेकर लगभग 10 साल हो गए थे और ये मैं डिसाइड ही नहीं कर पाया। कभी कोई कहता भाई ऐसे ही है, कभी कोई कहता था, तो सब्जेक्ट से मेरा जुड़ना नहीं हुआ। लेकिन इससे पहले जो मेरा जीना चल रहा था उसके लिए बराबर जो मेरा प्रयास चल रहा था, तो प्रयास मेरा ऐसा था कि बनकर सुखी होना है, तो बनने के लिए ही सारा प्रयास था। और उस प्रयास में मैं बेतहाशा दौड़ ही रहा था। और जैसा कि पहले बताया गया था कि भाई आप पढ़ाई कर लो और पढ़ाई ज्ञान है और इसमें सब छिपा हुआ है, तो मैं उसमें लगा हुआ ही था और उसके लिए कोशिश कर ही रहा था। कोशिश करने में मेरा सिर्फ इतना ही था कि पढ़ लोगे तो कम से कम आपकी रोजी रोटी चलती रहेगी, कहीं ना कहीं किसी ना किसी हालत में आप कमा के खा ही लोगे। और इससे ज्यादा मैं सोच भी नहीं पाता था क्योंकि मेरे आधार में यही रहता था, पर रेफरेंस यही था कि भाई अपना पोषण चलता है। पोषण सब तो अब आया, पहले तो पोषण भी नहीं था, तो यही चलता रहे मेरा। मैं ऐसा ही सोचता था, उसके लिए मैं प्रयासरत रहता था। उसमें क्या है, जब मैं संघर्ष भी कहूंगा उसको कि मैं दौड़ रहा था तो मुझे लगता था परिवार की पूरी सपोर्ट मेरे को थी, ऐसा नहीं कि नहीं थी, लेकिन उससे कुछ हो नहीं पा रहा था। मान लीजिए मैंने कोई डिग्री हासिल कर ली नौकरी करते करते, उससे भी तरक्की नहीं मिल रही थी। लग रहा था कि भाई ये रास्ता मैंने तो गलत पकड़ लिया, रास्ता ये ठीक नहीं है, इसको करके भी क्या, अभी इसके ये मैंने कर लिया तो अब और दौड़ो आगे, फिर एक लाइन लगी पड़ी है। तो उससे मेरे को कुछ लग नहीं रहा था, तो मुझे ऐसा लगता था बार बार कि भाई ये तो कुछ गलती हो रही है, ऐसे किसी गलत रास्ते पर मैं पकड़ के बैठा हुआ हूँ। क्योंकि मुझे ये पता नहीं था कि मैं किसी गाड़ी में बैठ गया हूँ, लक्ष्य ही नहीं पता था कहाँ जाना है, किस स्टेशन पर उतरना है, गाड़ी में बैठा हूँ वो कौन मुझे बताएगा, पूछेगा तो मैं क्या बताऊंगा, तो कुछ भी नहीं पता था। कहाँ जाना है, मैं कौन हूँ, ये भी मुझे नहीं पता था। और बहुत सारे मेरे अंदर रहस्य मुक्ति होती नहीं थी, भाई ईश्वर किसको कह रहे हैं ये नहीं पता, धर्म किसको कह रहे हैं ये नहीं पता, और सुख की तो बात पता ही नहीं थी। सुख तो अनुकूलता को माना ही था और उसमें ऐसा निरंतरता होती नहीं थी, ये भी नहीं पता कि निरंतर हूं तो निरंतरता होगी, लेकिन मैं परेशान तो रहता ही था। और परेशान रहना और बनने के चक्कर में मेरा स्ट्रेस लेवल बहुत हाई रहता था, उससे मेरे को एग्रेशन बहुत रहता था। मुझे ऐसा लगता था कि भाई जो उस काम में जो मैं कर रहा हूँ उसमें कोई थोड़ा भी रोड़ा अटकाता था तो मेरे को लगता था कि भाई ये तो गलत कर रहा है। या फिर जैसे कि मेरे सीनियर्स थे उनके साथ तो कई बार होता ही था झंझट, क्योंकि मुझे लगता था ये डोमिनेट कर रहे हैं मेरे को, ये मेरे को दबा रहे हैं, अननेसेसरी मेरे को प्रेशराइज कर रहे हैं, मेरा शोषण कर रहे हैं, तो उनके साथ ये निकलता था। पर वहां पे कम निकलता था क्योंकि वहां पे दबाव प्रभाव रहता था, लेकिन घर में ज्यादा निकलता था, तो घर में एक स्थिति विषमता की स्थिति बनी ही रहती। लेकिन 2018 में जैसे ही मैंने हमारे इंद्रप्रस्थ इंजीनियरिंग कॉलेज में मैं था, तो जो वर्कशॉप शुरू हुई और गोपाल बाबू ने ली थी, गोपाल सर ने, तो उन्होंने एक सब पहले ही बोला कि भाई ये प्रपोजल है इसको मानना नहीं और जांच ना। तो मुझे ये लगने लगा कि भाई जिस चीज की मैं प्राग में हूँ, जैसे ही उन्होंने कंटेंट को आगे लिया तो मुझे लगने लगा कि भाई बात तो सही हो रही है। जिसकी मैं तलाश में था कि बहुत सारी चीजें मेरे को समझ में नहीं आ रही थी कि क्या है, तो जैसे ही उन्होंने खोलना शुरू करा, अंडरस्टैंडिंग को बोला, संबंध को बोला, सुविधा को बोला, और जैसे जैसे कंटेंट आगे बढ़ा तो मेरी आसक्ति बढ़ती रही। और मैं इस तरह से टेक ऑफ भी नहीं होता था, मैं सबको नोट भी करता था। और मुझे एक घटना याद आ रही है, तो उसमें पहले दिन क्योंकि मैं रिएक्टिव मोड में तो रहता ही था, ये मुझे याद थी, तो एक मैडम थी वो काउंसलर भी थी, उनका नाम याद नहीं आ रहा, तो उन्होंने कहा पहले दिन ही कहा कि सर आपसे मैं बात करूंगी। मैं कहा ठीक है मैम, आपको बात कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। 3 दिन के बाद मैंने जब उनसे कहा कि मैम हाँ क्या कहना चाह रही थी आप बोलिएगा, तो मैम ने कहा कि सर अब जरूरत नहीं है आपसे बात करने। तो मुझे ऐसा लगा कि भाई अब बात आती है कि सुख क्या है ये पता ही नहीं था, पहले अनुकूलता को सुख माना जा रहा था, शरीर क्या है ये भी नहीं पता, अब ये पता लगा कि सुख किसको कह रहे हैं, धर्म किसको कह रहे हैं, ईश्वर किसको कह रहे हैं। इसमें इंफॉर्मेशन रूप में ही मैं कहूंगा थोड़ी स्पष्टता बनी और
ये भी पता लगे मैं शरीर के तहसित में हूँ तो मैं क्या हूँ, मैं निरंतर हूँ और मैं बना ही रहूंगा। एक तो ये बात थोड़ी थोड़ी समझ में आ रही है, और मैं शरीर के तहसित में हूँ तो अब मेरे सुखी होने का आधार क्या है? तो मैं संबंध को समझ जाऊं, जब मैं संबंध को समझने जाता हूं तो उसमें मुझे मूल को समझना पड़ेगा पहले। अगर मैं मूल को समझ पाता हूं तो मुझे संबंध समझ में आने लगेगा। तो इससे पहले अपने शरीर के साथ संबंध है तो मूल तो समझना ही पड़ेगा। तो मूल में क्या, विश्वास क्या, मेरा अपने सेल्फ का, जो मैं सेल्फ से सेल्फ को देखता हूँ तो सेल्फ के प्रति मेरा विश्वास कैसा है, क्या विश्वास है। अगर मैं अपने को ठीक से देख पाता हूँ तो मैं अपने जैसे को देख पाता हूँ। अभी मैं अपने को ही नहीं देख पाता हूँ तो मेरे को अपने दूसरे को देखना मेरे लिए संभव है ही नहीं। तो मेरे शरीर के साथ क्या संबंध है? शरीर की आवश्यकताएं अलग है, चैतन्य की आवश्यकताएं अलग है। अब मैं ये थोड़ा थोड़ा पकड़ पाता हूँ, क्योंकि शरीर के लिए जितना भी मैं काम करता हूँ वो सब टेम्परेरी है और उसकी आवश्यकता के अनुसार मैं करता हूँ। तो लेकिन सेल्फ की आवश्यकताएं निरंतर हैं, तो निरंतर में मेरा भाव और मेरा विचार ही मेरे सुख और दुख का कारण है। मैं अपने भाव और विचार को देख पाऊं, यही मेरा काम है। तो मूल को समझना जरूरी है। अब मैं ये समझ पाता हूँ, प्रकृति की अगर मैं बात करूँ तो परमाणु है और स्पेस है, इसके अलावा मुझे कुछ मूलतः यही दो चीजें हैं। स्पेस क्रियाशून्य है जो भी आधार में है, और परमाणु परमाणु अंशों के अंशों का आचरण भी तहस्तित्व में ही है, परमाणु के तहस्तित्व में है। तो तहस्तित्व को समझना और तहस्तित्व के अनुसार जीना ये मेरी आवश्यकता है। और मैं नहीं समझूंगा तो मैं दुखी तो बना ही रहूंगा। इसलिए मैं तहस्तित्व को समझ करके, तहस्तित्व में संबंध है ही और जो बनाई हुआ है मुझे उसको बनाना नहीं है। अस्तित्व को समझना है तो मुझे मूल्य को समझना है, संबंध को समझना है। संबंध प्रकृति, प्रकृति का संबंध है ही, मानव मानव का संबंध है ही, प्रकृति प्रति का संबंध है। तो नियम से चल रहा है, नियम नियंत्रण संतुलन से चल रहा है। मानव मानव का संबंध की बात करें तो न्याय धर्म सत्य, तो न्याय की बात हो रही है मानव मानव संबंध में। धर्म की बात हो रही है प्रकृति और मानव के साथ जो संबंध है उसकी धर्म की बात हो रही है। और व्यापक और प्रकृति के साथ जो संबंध है सत्य की बात हो रही है। और सत्य ही व्यापक में प्रकृति संपर्क है ही। तो सत्य समझ में आता है, सत्य यही सहस्तित्व तो है और सहस्तित्व ही नियम है। तो मैं अगर इस तरह से मैं जीना शुरू करूंगा, अपने आप को मैं देखना शुरू करूंगा और मैं सहस्तित्व में जीऊंगा, और जब मैं सहस्तित्व में जीता हूं तो मेरा कृतज्ञता का भाव बढ़ता है, क्योंकि मैं अकेला नहीं हूं। जब मैं इंडिविजुअलिज्म में जाता हूँ तो मैं अहंकार में जाता हूँ। अगर मेरे मैं जिस चीज को चाह रहा होता हूँ कि ये मैं प्राप्त कर लूँ फिजिकल रूप में, तो मैं अहंकार में जाता हूँ, या ज्ञान रूप में मैं प्राप्त कर लूँ तो अभी मुझे अहंकार ही आता है। लेकिन और अगर नहीं होता है बुरा तो मुझे डिप्रेशन आता है। लेकिन अगर मैं सहस्तित्व भाव में जीता हूँ तो मैं फैल करके जीता हूँ, और अहम में जीता हूँ तो मैं संकुचन में जीता हूँ, मैं अकेला पड़ता हूँ, मैं अपने आप को मानने लगता हूँ विशेष, तो वहां से चलता नहीं है। तो मैं कृतज्ञता के भाव में अगर मैं जीता हूँ, सहस्तित्व के भाव में जीता हूँ, तो कृतज्ञता में मैं जीऊंगा ही। और कृतज्ञता में जीऊंगा तो मेरे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जो मैं कॉन्टेक्ट में हैं ही, जो मेरे को सहयोग कर रहे हैं, तो वो उन सब के लिए मैं कृतज्ञ भाव से भरता हूँ। जैसे यूएचडी की टीम के हैं, या किसी की भी के हैं, या जिन्होंने कंटेंट डेवलप किया, उन सब के लिए मैं कृतज्ञ होता ही हूँ, ऐसा मेरे को लगता है। लेकिन अभी ये स्थिर नहीं हुआ है, ऐसा मेरा सोच रहा है सर। तो मैं कृतज्ञता को समझ पाऊंगा तो मैं कृतज्ञ होऊंगा, तो फिर मेरे अंदर विश्वास का भाव भी आने लगेगा, मेरे अंदर और सब भाव भी आने लगेंगे। अब मैं ये देख पाता हूँ कि भाई मेरा संबंध, जब मैं क्लास में भी जाता हूँ तो मैं यही बोलता हूँ कि भाई मैं पढ़ा रहा हूँ आपको और आप पढ़ रहे हैं, अब मैं पढ़ाने वाला हुआ आप पढ़ने वाले, इसका मतलब क्या है कि हम दोनों अलग अलग हो गए, हम दो लोग अलग अलग हो गए। आप पढ़ने वाले, मैं पढ़ाने वाला हूँ। अभी क्योंकि मैं पढ़ा रहा हूँ इसलिए मेरा पढ़ना उसमें शामिल है ही, और आप पढ़ रहे हैं इस आपका पढ़ाना भी शामिल है, तो इसका मतलब हम दोनों का लक्ष्य एक ही हो गया। अब हम अलग अलग नहीं रहे। इसमें जो कभी टीचर ये कह दे कि स्टूडेंट कुछ नहीं कर रहा है, या स्टूडेंट कहते हैं टीचर ने कुछ नहीं किया, पढ़ाया नहीं, तो उस सब से एक तो हमको मुक्ति मिलती है और हम सहस्त्र के भाव में रहते हैं। और आपका लक्ष्य भी एक ही है, मेरा भी लक्ष्य एक ही, आपके मार्क्स अच्छे आए, आप आगे बढ़े, मेरा लक्ष्य भी यही है। तो हम दोनों मिलकर के साथ साथ चलते हैं, तो वहां भी ऐसी कोई समस्या नहीं आती। अगर मैं परिवार की बात करूँ तो परिवार में भी ऐसा ही है कि मैं
परिवार में परस्पर उपयोगी और पूरक कैसे हो जाऊं? मैं उपयोगी और पूरक होऊंगा तो परिवार वाले भी मेरे को देखेंगे, समझेंगे भी, और मेरा परिवार में विलय होगा तो मैं व्यक्तिगत मानसिकता से मुक्त होऊंगा, और परिवार में मेरे में 6 सदस्य हैं, बहुएं भी हैं, तो मैं ये देख पाता हूँ कि मैं अपने भाव से कोशिश करता हूँ। पहले तो सारा उपद्रव ये कह रहता हूँ, मेरा उपद्रव सारा पहले मेरे साथ ही होता था, क्योंकि मैं हमेशा अग्रसर में रहता था, इसकी झाड़ बाइक को पड़ती रहती थी। अब बहुएं भी घर में आ गई तो अब मेरे लिए तो और मुश्किल खड़ी हो जाती है, अगर मैं हिम्मत ना जुड़ता तो। मैं देख पाता हूँ इससे जुड़ने से मुझे समझ में आने लगा कि अपने भाव और विचार पर काम करना है, और परिवार में क्योंकि सब अलग अलग मान्यताओं से आए हुए हैं, या फिर मान्यताओं में है ही बेटे भी हैं तो मान्यताओं में है ही, मैं भी मान्यताओं में हूँ तो, और अलग अलग चीजों से हैं, तो अब हम सब एक कैसे हो जाएं? अगर हम सब एक होंगे तो वो सहस्तित्व के भाव में ही होंगे। सहस्तित्व के भाव में भी प्रकृति में कोई भी चीज अविभाज्य है ही नहीं, सब एक दूसरे के परस्पर पूरक है। तो हम परिवार में भी हम परस्पर पूरक हो जाए और अविभाज्य हो जाए, इसको मैं परिवार कह रहा हूँ। अभी ऐसा नहीं हो रहा है, ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि सब कुछ ठीक ही हो गया है, सब कुछ बढ़िया हो गया, अभी तो मान्यताओं के साथ होता ही है, और कभी कभी ऐसा होता है कि मैं उसका अभी भी करता ही हूँ, तो कई बार बच्चों से सुनने को मिलता है कि पापा आप तो इतने दिनों से ह्यूमन वैल्यू में लगे हुए हैं, कभी आप ऐसा कभी भी कर देते हैं, अभी भी ऐसा हो ही जाता है। तो मैं कहता हूँ भाई रास्ता मिल गया है, पहले रास्ता ही नहीं था, अब रास्ता मिला है तो इसमें मैं चल नहीं कोशिश कर रहा हूँ, धीरे धीरे ठीक हो जाएगा, क्योंकि अब मेरा आधार फिक्स हो गया है। इससे पहले मेरा आधार सिर्फ था ही नहीं, पता ही नहीं था कि भाई क्या करना है क्या नहीं करना, सिर्फ दौड़ना था। तो पहले जो मेरा था कि भाई कुछ बन जाऊंगा तो मैं सुखी हो जाऊंगा, अब मैं ये सोचता हूँ कि कुछ हो जाऊंगा, होना आधार में हो गया है, तो अब मैं सुखी हो करके सहस्तित्व को समझ करके सहस्तित्व के अकॉर्डिंग जीने के आधार पर मैं अब बनने की बात करता हूँ। तो ये 180 डिग्री शिफ्ट हुआ मेरा, एक तो मुझे ऐसा लगता है, दूसरा मेरा ऐसा लगता है कि भाई मेरे पास एग्रेशन बहुत ज्यादा था, तो एग्रेशन रहता ही था, अगर किसी से कोई बात हो गई है, ऊपर इंडस्ट्री में काम किया बहुत साल तो वहां भी कुछ ना कुछ एक आध बार होता ही था, तो चलता रहता था। लेकिन अब ऐसा है मैं भी देख पाता हूँ कि मैंने भाई दूसरे के इंटेंशन पर डाउट किया, ये सबसे बड़ी मेरी क्रिटिकल प्रॉब्लम लाइफ की यही थी। तो अब मुझे ये देख पाता हूँ कि दूसरे के इंटेंशन पर डाउट किया, इसलिए उसको भी परेशानी हुई, वो भी झगड़े के रूप में आ गया, मैं भी गुस्से के रूप में आ गया, मैं भी झगड़े में, मैं भी दुखी, वो भी दुखी हुआ, और मैं अपने कॉम्पिटेंस को देख पाऊं और उसके कॉम्पिटेंस को देख पाऊं तो फिर वो चीज नहीं रहती है, तब मैं उसका परस्पर पूरक होता हूं। लेकिन कॉम्पिटेंस को देखूंगा कब? जब मैं देखूंगा, जब मैं उसके साथ संबंध में जीऊंगा, मैं उसको संबंधी समझूंगा, संबंधी स्वीकारूंगा, तब मेरे को कॉम्पिटेंस समझ में आएगा, उससे पहले मुझे कॉम्पिटेंस ही समझ में आने वाला नहीं है। अब एक्सरसाइज एक और दो की बात करूं तो मैं अपने सेल्फ को सेल्फ से मैं देख रहा हूँ, इसमें मैं पहला देखता हूँ कि कोई ना कोई भाव और विचार मेरे साथ चलता रहता है, मेरी कल्पना खींचता, मैं ये भी देख पाता हूँ थोड़ा थोड़ा, लेकिन वो सहज है असहज है ये भी थोड़ा बहुत पता लगता है, और बहुत सारा दबाव और प्रभाव अभी रहता ही है। तो लेकिन इतना है कि जब मैं हारमोनी में रहता हूँ तो मैं आराम में रहता हूँ, और सबसे ज्यादा अपीलिंग पॉइंट जो जिस पे मैं काम कर रहा हूँ, और मतलब जो मुझे समझ में ज्यादा आया, अभी ये ऊपर दो एक दो तीन पॉइंट में तो बहुत ज्यादा कुछ बनता नहीं है, लेकिन 4 में ये चल रहा है कि जो भी निर्णय हो रहा है वो मैं ही लेता हूँ, क्योंकि मैं दृष्टा हूँ अपने भाव और विचार का, मैं ही दृष्टा हूँ अपनी कल्पना चिंता का, मैं ही दृष्टा हूँ, क्योंकि इतने बड़े जीवन में इतनी एज हो गई मेरी, लगभग 60 60+ है, तो बहुत सारे काम हुए हैं, उसमें कुछ गलत डिसीजन मेरे द्वारा हुए, और उन गलत डिसीजन की वजह से मेरे को पछतावा रहता था और मैं बहुत ज्यादा रिपिटेंस रहता था, उससे मैं बहुत दुखी रहता था। लेकिन एक बड़ा सिर्फ ये हुआ कि मुझे लगा कि अभी डिसीजन तो मेरे ही था, और मैंने अपने सुख के अर्थ में ही डिसीजन लिया, क्योंकि जो भी मानव डिसीजन लेता है अपने सुख के अर्थ में लेता है, क्योंकि मानव का धर्म यही है, ऐसा मैं कंटेंट से समझ पाता हूँ। तो अब उस चीज से मैं निकल पाता हूँ, और अब रिपेटेंस वाली बात, इसका मतलब भविष्य भूतकाल की पीड़ा से तो मुक्ति मिल गई है काफी हद तक, 80% तक, पहले तो मैं बहुत ही ज्यादा दुखी रहता था, और मेरा निर्णय जो लेता था बहुत सारा समझ के साथ होता है, क्योंकि मान्यताओं में जी रहा हूँ, समझ तो पूरी हुई नहीं है, तो बहुत सारा निर्णय मेरी मान्यताओं के आधार पर ही चलता है। लेकिन हाँ ये बात ठीक है कि संबंध व्यवस्था और सहस्तित्व का भाव मुझे सहज स्वीकार है ही, ये नैत है ही, ये मेरी सहस्तित्व के अनुसार है ही, लेकिन अगर संबंध को मैं समझ पाता हूँ तो मैं न्याय को समझ पाता हूँ, और मैं जब न्याय में जीता हूँ
तो व्यवस्था अपने आप हो ही जाएगी। जैसे मैं अपनी बेटी को, बेटे को या किसी को संबंधी समझता हूँ तो मैं उसके साथ कोई अन्याय की बात नहीं करता हूँ, और मैं परस्पर पूरक होने की बात करता हूँ तो व्यवस्था तो हो ही जाएगी। जब मैं परिवार में संबंध दूंगा तो परिवार में व्यवस्था होगी, तो उसमें मैं समझता हूँ कि उसमें आगे मुझे कुछ करने का काम है नहीं। मुझे यही लगता है कि यदि संबंध को समझ करके मैं संबंध में जीना शुरू कर दूं, मैं कैसे परस्पर पूरक हो जाऊं, मैं परस्पर कैसे उपयोगी हो जाऊं। तो मैं ये समझ पाता हूं कि मुझे संबंध भी बना हुआ है ही प्रकृति में, तो सिर्फ संबंध को समझना है। संबंध को समझने के साथ ही सब कुछ ठीक हो जाएगा, उसके लिए प्रयासरत हूँ ही। और जैसे स्टूडेंट से मैं बात करता हूँ कि जब आप ये समझते हैं, हार्मनी में रहते, तो आपकी एफिशिएंसी बढ़ जाती है काम करने की। तो काम तो यही है कि एफिशिएंसी बढ़ाना है और अच्छी तरह से मेहनत से काम करना है। अगर मैं एक्सरसाइज जो की बात अगर मैं करूँ सर, तो मैं देख पाता हूँ कि अभी तो मैं अपने शरीर के साथ भी सहस्त्र को समझ नहीं पाता हूँ। मैं और शरीर सहस्तित्व में है, लेकिन मैं इसको समझ नहीं पाता हूँ। अभी मैं शरीर के पोषण के लिए काम करता हूँ, तो कभी कभी शोषण होता ही है। तो लेकिन ये पकड़ में आता है इन्फॉर्मेशन में, शरीर और मैं एक अलग अलग वास्तविकता है। दोनों की आवश्यकता बिल्कुल अलग अलग है। शरीर की आवश्यकता टेम्परेरी है, वो टेम्परेरी से पूरी होगी। अभी मैं गलती कह सकता हूँ, मैं टेम्परेरी से परमानेंट, इसका मतलब निरंतर को पूरा करना चाहता हूँ। बाहर की चीजों से जितनी मैंने पढ़ाई की, वो सब क्या किया है, ईंट पत्थर इकट्ठे करने के लिए, स्किल बढ़ाने के लिए ही काम किया, उससे कुछ होने वाला हुआ नहीं। तो मैं निरंतर के लिए, निरंतर संबंध का भाव है, न्याय का भाव है, इन सबको अगर मैं देख पाता हूँ तो मेरी चैतन्य की भी आवश्यकता पूरी होती है और शरीर की आवश्यकता पूरी होती है, और दोनों अलग अलग है। और मैं शरीर को सूचना का आदान प्रदान करता हूँ, ये कभी कभी समझ में आता है, कभी कभी नहीं आता है। अभी ऐसा नहीं है कि स्पष्ट हो गया या पूरी तरह से स्टेबल हो गया, ऐसा तो नहीं हो देख पा रहा हूँ। फिर मैं संकेत शरीर को देता हूँ। हाँ, संकेत तो मैं देता हूँ, निर्णय मैं ही देता हूँ, क्योंकि निर्णय मैं ही लेने वाला हूँ, क्योंकि कर्ता मैं ही हूँ। मैं ही कोई भी घटना होती है उसका उसका निर्णय मैं ही लेता हूँ, या घटना के बाद जो मेरे अंदर चलता है उसका सब निर्णय मैं ही लेता हूँ। तो इस रूप में कर्ता मैं ही हूँ, और जब कर्ता मैं ही हूँ, दृष्टा मैं ही हूँ, तो भोक्ता मैं ही हूँ, क्योंकि मैं जो पहचानता हूँ, निर्वाह करता हूँ, उसका भोक्ता मैं ही हूँ। अपने सुख और दुख का भोक्ता मैं ही हूँ, क्योंकि सुख की कंटिन्यूटी होती है, दुख की कंटिन्यूटी होती नहीं है। तो सुख का अभाव ही दुख है। तो ये मैं थोड़ा थोड़ा देख पाता हूँ। सुख बढ़ेगा तो दुख तो अपने आप चला ही जाएगा। फिर मैं बात करता हूँ, बाहर की परिस्थिति का प्रभाव मेरे ऊपर पड़ता ही है, और कभी निर्णय ले पाता हूँ तो कहीं नहीं ले पाता, ऐसा तो मुझे दिखाई देता ही है। अभी ऐसा नहीं हो रहा है कि भाई ये स्टेबल हो गया है, लेकिन हाँ, कोशिश में मैं लगा ही हुआ हूँ, और मैं अपने निश्चित भाव के साथ सुखी रहने के प्रयत्न करता हूँ। और जैसी मेरी क्षमता, जैसी मेरी योग्यता और पात्रता होती है, उसके अकॉर्डिंग मैं जीता हूँ। जैसे जैसे मेरी पात्रता बढ़ती है, ऐसे ऐसे मेरी योग्यता भी बढ़ती रहती है। और क्योंकि सफलता दो तरह से, मैं ह्यूमन वैल्यू से जुड़ने के बाद भी, जब मैं स्ट्रगल में ही कहूंगा उसको, तो मैं कि जब मैं दौड़ रहा था तो मुझे समझ में ये आने लगा था कि सफलता दो तरह से है। ये सफलता नहीं है जो मैं दौड़ रहा हूँ, एक ये सफलता है वो फिजिकल के लिए है, एक सफलता है जो ज्ञान के लिए, जो मेरे अंदर हार्मनी होती है। और एक बात और कहूंगा सर, कि जितना मैंने पढ़ाई की सब किया, और मुझे लगा के ला, और मैंने उसको ज्ञान मान करके किया था, मैं नहीं समझ पा रहा था कि स्किल का पार्ट है, लेकिन जैसे जैसे इस कंटेंट से जुड़ा और ये पता लगा, तो समझ में आया कि ये सारा स्किल और इंफॉर्मेशन का था। ज्ञान और इंफॉर्मेशन स्किल में बहुत बड़ा अंतर है। जैसा कि अब ह्यूमन वैल्यू एक्सपेंशन हो ही रहा है, बढ़ ही रहा है, तो अब जो स्थिति में ये रहेगा, जैसी मेरी स्थिति रहेगी ऐसी मेरी गति रहेगी। अभी भी जब मेरी स्थिति खराब होती है, जब मैं टर्बुलेंस में होता हूँ, किसी को इम्पोर्टेंट मान लेता हूँ, वो नहीं हो रही होती है, तब भी मैं बहुत दुखी होता हूँ। और उस समय मेरे से कोई बात करता है, तब भी मैं रिएक्टिव मोड में रहता ही हूँ। तो मुझे दिखाई देता है जैसी मेरी स्थिति है, स्थिति का मतलब मेरे सेल्फ की जो स्थिति है, ऐसी मैं एक्सप्रेशन में आता हूँ, क्योंकि दिखाई तो कुछ भी नहीं दे रहा है, फोर्स भी नहीं दिखाई दे रहा है, एनर्जी भी दिखाई नहीं दे रही, आंखों से तो कुछ दिखाई देता ही नहीं है। आंखों से सिर्फ इतना दिखाई देता है, वो भी पार्शियली रूप दिखाई देता है, पूरा रूप भी दिखाई नहीं देता। आंशिक रूप में गुण दिखाई देता है, इसके अलावा कुछ दिखाई नहीं देता। वो भी संवेदना से चेक कर सकते हैं, कोई सॉफ्ट है तो हमने दबा के देख लिया, अभी हार्ड है कि सॉफ्ट है, लेकिन ज्ञान से ही ये सब चीजें दिखाई देंगी। उसी दृष्टि को डेवलप करना है। प्रकृति में परमाणु और ये है, और इसमें सृजन है सारा कुछ। ऐसा अगर मुझे समझ में आने लगे, ऐसा मैं देख पाऊं, तो ये मेरे लिए उसमें लगा हुआ हुई। और मैं एक बात और कहना चाहूंगा, भागीदारी के रूप में मेरी भागीदारी
कारोबार के साथ, या जहां मैं जाता हूँ जो मेरे पास है उसे बांटने की कोशिश करता हूँ प्रपोजल के रूप में। मैंने कई जगह बात करता भी हूँ, और मैं पहले ये देख लेता हूँ भाई इनकी पात्रता है तो इनसे बात करनी है, इसकी अदरवाइज नहीं करनी है। पता लगा इनसे मैंने बात करी इन्होंने कुछ और ही बोल दिया, तो उससे बात शुरू करता हूँ वो ही प्रपोजल के रूप में। अगर उनका कोई रेस्पॉन्स आता है तो ठीक है, तो नहीं तो नहीं तो कोई बात नहीं है। तो मैं ध्यान तो मेरा आधार में जब फिक्स हो गया तो मेरा बना ही रहता है, इसके लगातार मैं इसे बना ही रहता हूँ, ये कोशिश मेरी रहती रहती है। और परिवार में भी मैं अब ये देख पाता हूँ कि बच्चों को जबरदस्ती कुछ नहीं कहता हूँ, मैं इनको एक प्रपोजल देता हूँ भाई तुम्हें जो खाना है जो घूमना है जो खरीदना है खरीद लो, लेकिन ये देख लो कि भाई ये जरूरी है नहीं, अगर जरूरी है तो ले लो, अगर नहीं लगता है जरूरी है तो आप देख लो। तो अब मैं रिजिड नहीं होता हूँ, पहले तो मेरी स्थिति ऐसी थी भाई ये नहीं होगा ये गलत है। हाँ कहीं कहीं ऐसा लगता है कि हाँ ये गलत होने जा रहा है तो फिर मैं रिजिड भी हो जाता हूँ, तो ऐसा मैं देख पाता हूँ। और कृतज्ञता के भाव की बात करूँ तो अगर मेरे को सहज से समझ में आएगा तो मैं कृतज्ञ हूँ ही, और यही अगर भाव एक स्थिर हो गया तो मेरा काफी काम बन जाएगा। आप लोगों ने मेरे को सुना, टाइम का मुझे पता नहीं है कितना हुआ, लेकिन आप लोगों ने मुझे धैर्य से सुना और उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरे से कुछ गलती हुई हो सर तो उसके लिए मैं माफी चाहूंगा, और मेरे लिए आज के लिए सर इतना ही, थैंक यू, नमस्ते। जी आपने भागीदारी की बात नहीं की भैया, भागीदारी आप किस रूप में करना सर चाहेंगे? भागीदारी अभी अभी भागीदारी परिवार लेवल पर ही हो रही है, समाज में थोड़ा बहुत तो वही भागीदारी मैं कर पा रहा हूँ, और मेरे को ऐसा दिखता है कि और कहीं मेरी उपयोगिता की ज्यादा जरूरत है तो मैं उसमें लगा हुआ हूँ। और जब आगे वैल्यू एजुकेशन में मुझे भागीदारी की बात होगी जब बन पाएगा तो उसके लिए मैं तत्पर रहूंगा ही, ऐसा मेरा कहना है। जी सर, थैंक यू सर, नमस्कार। अशोक भैया के बारे में कहूंगा कि भैया एक लंबे समय से जुड़े रहे हैं, परंतु कहीं बीच बीच में अंतराल हो जाता है। कुछ परिवर्तन शुरुआती दौर में हुए थे भैया के, उन वो एक अच्छी उपलब्धि है, जैसे तुरंत आवेश में आना या डोमिनेट करने लगना या रिएक्ट करना, उसमें काफी कमी आई है। सुविधाओं का सतह पहचान में भी कमी आई है। एक प्रस्ताव के रूप में अपनी बात को रखने का भी एक ध्यान गया है। बट मैं कहूंगा कि भागीदारी थोड़ी सीमित है अभी, और मुझे लगता है कॉलेज में भी भैया जहाँ पढ़ाते रहे हैं वहाँ पे भी आपको ये कोर्स पढ़ाने का अवसर मिल पाया था क्या अशोक जी सर मिला था सर, भैया? जी, तो बढ़िया भैया, आप सुबह के सत्र में और जुड़े रहे हैं। इस बार आप पूरे बैच में अटेंड कर पाए जी नियमित सर, रूप जी सर से? मैं करता ही हूँ, जनरली करता ही हूँ, बस कोई बात हो जाए तो बात अलग। जी, तो अभी हम लोग अगला बैच अभ्यास 1 और 2 को रखने वाले हैं। जी सर, तो हाँ, उसमें अगर आप जुड़ेंगे तो अभ्यास 2 के जो और जो बारीकियां हैं उस पर ध्यान जाएगा। अभ्यास 1 के कुछ मुद्दों पे आपने बात की थी, परंतु उसमें भी जो बारीकी से अपने भाव को देखकर उसका मूल्यांकन करना है, उसमें हम सबको गति करनी है, और वो गति थोड़ी बढ़ाने की जरूरत है। तो जी आप अगले बैच में भी जुड़ पाएं और सुबह का सत्र अटेंड कर पाएं तो और अच्छा रहेगा। और आप देखें कि भागीदारी के स्तर पर और आप क्या कर सकते हैं। परिवार की सीमा में तो हम सभी इतने भागीदार तो रहते ही हैं, परंतु वो होता यह है कि जब कोई मानव लक्ष्य के साथ कार्यक्रम न हो और हम भागीदारी कर रहे हो, तो उससे हमारे परिमार्जन में कोई गति नहीं बनती ज्यादा। तो हम मानव लक्ष्य के साथ कैसे भागीदार हो पाए उसको थोड़ा देखने की जरूरत है। उसके लिए जो मूल्य शिक्षा काम चल रहा है उसमें आप देखें। अभी तो आप रिटायर्ड हैं ना? हाँ जी सर, रिटायर्ड हो गए बस बाई फोर्स, अभी रिटायर्ड थे नहीं। जी सर, अच्छा, हाँ तो आपका आप समय तो बहुत है ना, बच्चे भी आपके सेटल्ड हैं, तो जी, समय आपका बहुत है। आपका डिपार्टमेंट क्या रहा है? अच्छा, मैकेनिकल इंजीनियरिंग सर। मैकेनिकल रहा है, ठीक है। तो आप देख लें, कुछ एक्टिविटीज और प्रोजेक्ट्स हो सकती हैं जिसमें आप घर से काम कर सकते हैं, और अभी बहुत सारा और काम बढ़ने वाला है। जिस तरह से अब हायर टेक्निकल एजुकेशन से निकलकर हायर एजुकेशन, प्राइमरी एजुकेशन में बात जा रही है, सेकेंडरी एजुकेशन बात जा रही है, तो बहुत सारा काम बढ़ने वाला है, उसमें आप किस स्तर से भागीदार हो सकते हैं। रहना अभी आपका कहाँ पे हो रहा है? मैं सायाबाद में रहता हूँ सर। जी अच्छा, बढ़िया। तो आप तो प्राइम एरिया में हैं, यहाँ पे तो NCR में बहुत सारे कॉलेजेस में काम हो रहा है। तो एक बार हम लोग आपको अलग से संपर्क करेंगे, फिर आपसे और विस्तार से चर्चा करेंगे आपकी भागीदारी के बारे में। जी जी, सर, बढ़िया भैया, मेरी तरफ से इतना ही। आप दोनों को शुभकामनाएं, बधाई। थैंक यू सर, नमस्कार, थैंक यू। नमस्ते।